नहीं, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस मेडल लेके आई हो। पेरिस ओलंपिक में भारत की बेटी ने भारत के लिए पहला मेडल अपने नाम किया। भारत के निशानेबाज मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 221.7 स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। निशानेबाजी में मनु कोई भी मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर को फ़ोन करके उन्हें बहुत बधाई दी। वहीं मनु भाकर ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने व्यस्त होने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और आज पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद बातचीत की। पीएम मोदी ने मनु भाकर से फोन पर कहा, ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद उत्साह और आनंद में हूँ। जी वैसे 0.1 से आप सिल्वर आपका रह गया जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको दो प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कहाँ से पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो मेडल लेके आई हो। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मनु के साथ बात करने के दौरान पीएम मोदी के चेहरे पे गर्व के भाव साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। मनु भाकर को फोन करके पीएम मोदी ने बधाई देने के साथ ही बाकी साथी खिलाड़ियों का भी हाल पूछा। पीएम मोदी ने मनु से कहा कि टोक्यो ओलंपिक में राइफल ने दगा कर दिया था, मगर इस बार तुमने सभी कमियों को पूरा कर मेडल अपने नाम किया। देश का प्रधानमंत्री जब देश के खिलाड़ियों के पीछे एक अभिभावक और एक हिम्मत बनकर खड़ा होता है तो खिलाड़ियों की जीत निश्चित होती है। भारत आगे भी इसी तरह पेरिस ओलंपिक में खिलाड़ियों की जीत के प्रति एकदम आश्वस्त है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहें TNN वर्ल्ड पर।